एक नंबर की झूठी कौम, एक नंबर की करप्ट कौम। सच तो किसी पाकिस्तानी ने मेरी जिंदगी में बोला ही नहीं है। मुझे पसंद नहीं है लोग एक नंबर के चोर होते हैं, और मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ। कुछ लोग तो भाई भड़क जाते हैं एंकर पे ही, जो रिपोर्टर उस पे भड़क जाते हैं। और तो और कुछ लोग तो ये तक कह देते हैं कि भाई साहब भारत के जो लोग जो है वो बाहर जाके भीख मांगते हैं और हकीकत में कौन भीख मांगता है ये इनको भी पता है। लेकिन अब बोलने की बात है, मतलब तसल्ली देते हैं खुद को कि किसी भी कीमत पे मेरा घर झोपड़पट्टी में भी रहे लेकिन मैं बाजू वाले को जरूर बोलूंगा कि वो पटरी पे सोता है, है कि नहीं। तो टैलेंट है हमारे पास तो फिर जर्मनी 90,000 वर्क वीजा इंडियंस को क्यों दे रहे, पाकिस्तानियों को क्यों मांगने वाली कौम है, भीख मांग रही है उनको मिलेगा? भीख तो हम मांगते हैं IMF से भीख हम मांगते हैं। ये लोग बैठे हुए अपने मुल्क में खुश है सारे यहाँ पे। आप पूछे कितने पाकिस्तानी जो है बाहर जाना चाहते हैं, यहाँ अभी आप अनाउंस करें सारी लंबी लाइन लग जाएगी। आप कह रहे हैं ये खुददार कौम है, इनमें से कोई जाना नहीं चाहता, ये खुश है यहाँ पे, वो अपने टैलेंट की बिना पे जा रहे हैं, वैसे थोड़ी जाएंगे। क्या टैलेंट है पाकिस्तान में थोड़ी जा रहे हैं, वहाँ पे भीख मांग नहीं जा रहे, पाकिस्तानी भीख मांग रहे हैं सऊदी अरेबिया में, ईरान, इराक में, UAE में। हम असल में आपस में एक दूसरे के साथ कम्पिटिशन कर रहे हैं जबकि हमें दुनिया के साथ कम्पिटिशन करना चाहिए। असल मसला ही हमारा ये है कि हम एक तो फिरकावारियत में बदल आगे कुछ सियासी बैकग्राउंड्स में एक दूसरे के साथ मुकाबले शुरू कर दिए जबकि असल में हमारा अपना मुकाबला तो है ही नहीं, हम सारे वी आर पाकिस्तानी। तो असल हमारा कंपटीशन था दुनिया के साथ, हम दुनिया के साथ कम्पीट कर ही नहीं रहे। जय दोस्तों, फिर से हाजिर हो गए हैं हम, SCO हो गया, ब्रिक्स समिट हो गया, अब जर्मन जो चांसलर आए हैं भारत का दौरा पे, और जो बहुत सारे मल्टीलेटरल और बहुत सारे डील्स है और एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं और बहुत सारे चर्चे हो रहे हैं कहाँ बाजू में पाकिस्तान में। और चर्चे तो छोड़िए भाई साहब, उनका मतलब थकते नहीं है भारत की तारीफ करते करते, और थकेंगे भी नहीं ये लोग और उसमें से मज़ेदार बातें कुछ ऐसी होती है कि कुछ लोग तो भाई भड़क जाते हैं एंकर पे ही, जो रिपोर्टर उस पे ही भड़क जाते हैं। और तो और कुछ लोग तो ये तक कह देते हैं कि भाई साहब भारत के जो लोग जो हैं वो बाहर जाके भीख मांगते हैं और हकीकत में कौन भीख मांगता है ये इनको भी पता है। लेकिन अब बोलने की बात है, मतलब तसल्ली देते हैं खुद को कि किसी भी कीमत पे मेरा घर झोपड़पट्टी में भी रहे लेकिन मैं बाजू वाले को ज़रूर बोलूँगा कि वो पटरी पे सोता है, है कि नहीं। तो यही हालत है पाकिस्तानी लोगों का। दोस्तों आज का टॉपिक है जर्मन के जो चांसलर है ओलाफ शोल्ज भारत में आके बहुत ही महत्वपूर्ण डिफेंस रिलेटेड एग्रीमेंट्स पे साइन किए हैं और म्यूचुअल कंसेंट ऑन लीगल एग्रीमेंट्स ऑन क्रिमिनल केसेस और ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, और भी कुछ है कि क्लासिफाइड जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उनका एक्सचेंज और प्रिजर्वेशन कैसे करना है, बहुत सारे चीज़ों पे। और तो और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यूरोपियन यूनियन में जर्मनी भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। ये पाकिस्तानी लोगों को नहीं मालूम, ये बोलते हैं कि फ्रांस के साथ भारत का बहुत बड़ा डील होता है, ये होता है। असल में अंदर की बात है, जर्मनी के साथ जो डील होता है ना वो ऊपर नहीं आता है। अच्छी बात है, हमारे लिए भी अच्छी बात है, उनके लिए भी अच्छी बात है, लेकिन जर्मनी का अभी चाइना से दूरी बढ़ता जा रहा है और भारत में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। पहले क्या होता था, पहले ये लोग डायरेक्ट वे अपना चीज़ बेचते थे, मिलिट्री इक्विपमेंट हो गया या फिर बहुत कुछ हो गया जो बेचते थे। अब मोदी जी ने कहा है नहीं, अब ये नहीं चलेगा, जो मर्कल जो थी वो बेच रही थी, और मर्कल के टाइम में ही जिसके पूर्व चांसलर थी उनके टाइम में मोदी जी ने मेक इन इंडिया का प्रस्ताव रख दिया था 2014 में, और तब से अब जो जा रहा है क्या जर्मनी और स्पेन के बीच में भारत के साथ जॉइंट वेंचर में 6 सबमरीन बनाने का जो बहुत बड़ा डील हो रहा है वो किसको मिलेगा? वो स्पेन को नहीं मिला, वो जर्मनी को डील मिल गया है और जर्मन के साथ मिलके करीब 40-45 हज़ार करोड़ का ये डील है 6 सबमरीन का। और दोस्तों और भी बहुत सारे चीज़ों पे दोनों देश जो काम करने वाले हैं, लेकिन जो रो कौन रहा है, रो ये पाकिस्तानी लोग रहे हैं कि मतलब इनको लालच आ रहा है, इनको घृणा हो रही है, इनको जेलसी होती है, ताज्जुब होता है कि मतलब 10 साल पहले भारत किधर था। इनके कहने के मुताबिक 10 साल पहले भारत का करेंसी डॉलर के मुकाबले इनके करेंसी का जो लेवल उससे नीचे था,
जो भी हो वो तो हम लोग एनालाइज करके बताए, पता कर ही लेंगे कोई उसका करेंसी क्या था, लेकिन ये 10 साल में हुआ क्या चीज़। 10 साल में मैं आपको बताता हूँ, 10 साल में हमें एक ऐसा सनातनी मिला है जो एक ट्रू लीडर है, लोगों का प्रतिनिधि है, जो अपने जेब खा खा के नहीं भरता है। जितने भी आपने इनके टेन्योर में जो बिजनेसमैनों की तरक्की देखे हैं, इन्होंने साफ, आज का ज़माना ऐसा है, पहले 10-15 साल पहले होता था आप कुछ घूस ले लो, आप कुछ कर लो, आप वो आराम से छिपा सकते थे। अभी के ज़माने में इन्होंने खुद ही जो अभी के ज़माने में इन्होंने खुद ही जो डिजिटलाइजेशन को इतना ताव तवज्जो दिया है, इतना कुछ हो गया, कोई भी ट्रांजेक्शन अभी छिप नहीं सकता है ना। अभी आपको कोई हवाला करके लाना है, कोई पैसा कुछ भी करके लाना है, वो आप आराम से नहीं ला सकते, अनलेस एंड अनटिल आपका कोई टेररिस्ट बैकग्राउंड हो, लिंकेज हो, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग का कुछ हो, या फिर पिछले कुछ दिनों होता था कि ब्लॉकचेन, मतलब जो ये आप बिटकॉइन हो गया, ये डॉज कॉइन हो गया, और अमेरिकन डॉलर को लाया जाता था कैसे, USDT बोल के करेंसी था, मतलब एक क्रिप्टो करेंसी था, उसके थ्रू ये सब अलग अलग ट्रेड के ये होते थे। अब ऐसा नहीं हो रहा, अब सब जगह आदमी पकड़ा जाएगा, फिर भी लूप होल्स तो होते हैं हर जगह, सब में सुधार करने की ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों आपको इनका रिएक्शन कैसा लगा, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्त को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियो हम बनाते रहें। ठीक है, आगे आप देखिए, और भी कुछ जानकारी आपको देना बाकी है। इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, तीन दरिया हमारे तीन उनके जाकर पाकिस्तानियों की इज्जत है, बल्कि पाकिस्तान ही अपने आप को बोलना ही गाली है। और मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं, पाकिस्तान से कोई भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं ना पैदा हुई हूँ ना मैं रहती हूँ भाई। मेरे माँ बाप गलती से पैदा हुए थे वहाँ पर, उससे पहले मेरी पूरी हिस्ट्री जो है नाना नानी सब लोग इंडिया के हैं। हमें इंडिया, चलो इंडिया का साथ इशू होगा, ईरान अफगानिस्तान के साथ क्या इशू है, हमारा बॉर्डर है ना, हमारे के सारे हमसाए हमसे नाराज है। क्यों यूएई जिसको फतह किया ना 1973 में, वो पाकिस्तान के पठान कौम ने किया है, इनके पास तो फौज में अपने बंदे ही नहीं थे, हमारे पठानों के जरिए इन्होंने 1973 में ये आजाद हुए हैं। उसके बाद इन्होंने स्ट्रेटजी ये बनाई है कि ये कौम इतनी बहादुर कौम है और ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुल्क पे छा ना जाए, कहीं हाईजैक ना हो जाए। इन्होंने फिर अपने बच्चों को लाइन में इन किया, उनको लाइन में इन किया और हमारे ही कौम को बाहर निकाल दिया इन्होंने, यूएई ने हमारे साथ कहा। लेट्स सपोज मैं इंडिया हूँ, ये भाई पाकिस्तान, ठीक है, ये इंडिया और मैं पाकिस्तान हूँ, या मुझे इनसे कोई फायदा ही नहीं हो रहा, या इन्हें मुझसे फायदा नहीं हो रहा, कितनी देर तक मुझे साथ लेके चले। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कैमरामैन से, भाई जरा एक घुमाए जा यहाँ पे, मैं सारे भाइयों को बोलूंगा कि यार कोई बंदा बता दे कि पाकिस्तान ने कोई एक चीज, पाकिस्तान ने कोई एक चीज बना के दुनिया को दी हो। पाकिस्तान ने दो चीजें दुनिया को बना के दी, एक टैडी कबूतर और एक बुली कुत्ता, ये दो चीजें पाकिस्तान ने बनाई है, आप जाके चेक कर लो। टैडी कबूतर जोनसिरा और अमृतसरी और पसूरी, ये तीर कबूतरों का मिक्स करके उन्होंने टैडी बनाया। नहीं नहीं यार, जब जो चीजें बनाई है वो ये दो ही है, तीसरी कोई चीज मुझे नहीं पता। इनका रिएक्शन देखा तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि दुनिया बौखला गया है। यूएस में प्रेसिडेंसी इलेक्शन होने वाला है, डोनाल्ड ट्रंप बौखला गया है, उनके टक्कर में कौन है, कमला हैरिस है। यहाँ पे जर्मनी और फ्रांस और स्पेन, इनमें कंपटीशन हो रहा है कि कौन सबसे ज़्यादा, जो वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा जो मार्केट है वो भारत, उस पर पकड़ होल्ड किसका कौन बनाए। सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन 30% के ऊपर कौन से देश में, भारत में है। ठीक है, तो ये इतने सारे प्लस पॉइंट भारत के पास है और वाकई में अभी सोने की चिड़िया बन रही है भारत, जो हमारे पुराने ज़माने में था। तो इससे सब बहुत लोगों को जलन भी हो रही है, बहुत लोग उल्टा सीधा बातें भी करते हैं, और बहुत लोगों से हमको सावधान रहने की ज़रूरत है। हम तो अखंड भारत बनाने के चक्कर में, ऐसा ना हो कि ये जो बासी मछली है ये पूरा तालाब को ना गंदा कर दे। और मेरे तरफ से तो मोदी जी आपको मैं ये कहूँगा कि इन पाकिस्तानियों को तो जैसा आपका पॉलिसी चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन किसी भी कीमत पे इनको मुंह नहीं लगाना है ताकि ये पूरा तबाह हो जाए, लेकिन इन पर कभी भी भरोसा नहीं करना है। ये कब पलटवार कर देंगे किसी को नहीं पता। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा,
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फिर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।